का लोगों की चाहत और लोग मकर संक्रांति के अवसर पर वहां तक लालू प्रसाद तक पहुंचे। और जैसा कि जानकारी भी दी गई है कि लालू प्रसाद आज इधर से इधर से अच्छा उल्टा हम लोग का सब बाले बच्चे आनंद से खूब खाते थे पीते थे कमाते थे। अब इनका भी अनहार हो गया है सर, इसलिए हम दुख में आए हैं कि तीज संक्रांत है, इसलिए हम साहब के खिया वाला चले, वो नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे नहीं। बाले मारा है, दही है, चिवड़ा है, तिलकुट है, कोहरा है, सब्जी है, मतलब 51 प्रकार की सब्जी और दही चिवड़ा तिलकुट लालू प्रसाद उनमें हमको लिए भगवान है, हम भगवान समझ के उनके लिए लाए। अब पहुंचता है हुआ कि नहीं पहुंचता है, हम लोग लाए हैं कि भाई 14 तारीख की हम लोग के पुरनके से बाप मतारी तिल संक्रांति करता है, तो देखे सुप्रीमो लालू प्रसाद जी के लिए आए हैं और आप लोग की कृपा हो तो वहाँ पहुँचेगा। नहीं है उनकी जो बीमारियाँ और ठीक होने वाली कोई भी बीमारी है नहीं, शुगर कंट्रोल करना है और सब ब्लड पैरामीटर को देखना है, ब्लड प्रेशर को देखना है, बीमारियाँ ठीक होने वाली नहीं है, यही है कि वो कितने कंट्रोल में है या मैंने लेवल में है, ब्लड शुगर का लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर कैसा है, यही सब उसी चीज़ को कंट्रोल करना है। वो तो उनके भक्त होंगे जो पहुंचाते होंगे, उसके बारे में तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। और कोई भी मनुष्य एक सीमित मात्रा में ही खाएगा, अगर 5 आदमी चूड़ा दही पहुँचाएंगे तो 5 का चूड़ा दही का सेवन तो कर नहीं पाएंगे। हम लोगों ने उनको पर्व के नाते और चूँकि ये एक धार्मिक पर्व है इसलिए उनको मना नहीं किया, बोला है कि भाई आप सीमित मात्रा में खाएंगे और हम लोग देखेंगे, अगर शुगर थोड़ा बढ़ेगा तो उसका इंसुलिन का डोज से कंट्रोल किया जाएगा। चूँकि ये साल भर का पर्व है और हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए हम लोग उनको इस पर्व से वंचित तो नहीं कर सकते हैं। उनको ज़रूर हम लोगों ने हिदायत दी है कि आप सीमित मात्रा में सब चीज़ लेंगे और शुगर लेवल जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक दिन की बात है, थोड़ा छूट उनको देना होगा, धार्मिक आस्था की बात है, इसलिए हम लोग उनको अलाउ किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।